बताया बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज बहुत ही शुभ दिन है, अजब तमाशा का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ है और ये हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद की प्रोडक्शन, हैदराबाद के कलाकार आज मुंबई में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए क्योंकि ये सिलसिला हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ लाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, हैदराबाद की इंडस्ट्री और हमारी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अगर मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज हमारे जॉनी लीवर साहब, सुनील पाल साहब और तमाम कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े बड़े कहना चाहिए बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और चूंकि मेरा ये गोल्डन जुबली ईयर है, मुझे लाइफ के 50 साल होने जा रहे हैं इस अक्टूबर 2023 में। मैं 50 साल का गोल्डन जुबली एक्टर हो जाऊंगा। मैं इस बात से मैं बहुत खुश हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। मैं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और अजब तमाशा की जो फिल्म बनी है इसमें हैदराबादी मुंबई मिक्स है, तो मैं इस पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, कहूँगा आप जियो हजारों साल, कमाओ माल पे माल, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या हैदराबाद रहो, ऑल द बेस्ट। ATM अजब तमाशा मूवी, कमाओ कमाओ। बहुत अच्छा संगम है ये, बहुत अच्छा संगम है ये। मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदू मुस्लिम है वैसे HM, हिंदू मुस्लिम HM, वैसे हैदराबाद मुंबई का ये मिक्सर है, मिशन है, ये मिलकर पूरे कायनात को बहुत खुशी देंगे। और फिल्म जो हमारे अकबर बिन तमर जो बहुत अच्छे एक्टर हैं हैदराबाद के और उनकी पूरी टीम ने जो सजाई है, मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। ऋतिक जो हमारा जूनियर दोस्त है मेरा, हेलो हेलो, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ना लुक से ट्रेलर लीड होता है, खास करके मुंबई में लीड हो रहा, तो उनकी खुशी हो रही है आपको सबसे पहले बात, और अपने किरदार के बारे में बताइए। लुक से हाय, दिस इज ऋतिक और मैं ऋतिक शर्मा हूँ और मैं अभी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिल रहा है इस मूवी में जो बॉलीवुड मूवी है और एक हैदराबाद के अंदर एक बॉलीवुड मूवी होने जा रही है और जिनके प्रोड्यूसर है हमारे क्या नाम है अमित कुमार अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर नईम अहमद जी और हमारी एक्टर जो तनुजा ठाकुर, मेरा नाम ऋतिक है और मेरे को सौभाग्य है कि इस मूवी के अंदर काम करने का सौभाग्य मिल रहा है और मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मतलब बता नहीं सकता आपको कि मतलब अंदर से कितनी खुशी है जो इतनी बड़ी मूवी होने जा रही है और बहुत ज़्यादा खुशी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा और आप सबसे यही कहूँगा कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपना प्यार दें। अजब तमाशा, पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला हमारे अमित सर अग्रवाल जी ने, जो हमको बहुत मज़ा आया लाइक मूवी के दौरान, आपको भी मूवी देख के बहुत मज़ा आएगा। और ये मूवी में बहुत सारे लाइक ट्विस्ट एंड कॉमेडीज हैं, सस्पेंस है और कॉमेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है और इस मूवी को ना फैमिली देख सकती है। जैसे कि आजकल मैं बोलूँगा तो नहीं, बहुत सारी मूवी होती है जिसमें बल्गर टाइप होता है, तो इसमें बल्गर कुछ भी नहीं है, पूरी फैमिली देख सकती है इसको, बैठ के बच्चे से लेके बड़े तक देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं इस मूवी को देख के। नहीं नहीं, मैंने ऋतिक का मतलब रोल तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋतिक रोशन जी का मैं उनका नहीं कर रहा हूँ उसमें रोल, अदरवाइज उसमें एक मेरा जो करेक्टर है वो एक इनोसेंट है और मेरा भूलने की मेरे को एक आदत होती है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा है। और मतलब जो इसका सस्पेंस है वो बहुत प्यारा सस्पेंस है, जो स्टोरी लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लिखी गई है, बहुत अमेजिंग मूवी है, जब देखेंगे आप तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाह ये मूवी बनी। हाँ वो तो बहुत डिफिकल्ट है, बट हमारे मेन कॉमेडी स्टार जो तबर जी है उन्होंने बहुत इजी कर दिया हमारे लिए कॉमेडी जो करना। इसमें एक जो करेक्टर है कॉमेडी करेक्टर है वो जो प्रोड्यूसर है उनका करेक्टर है, मतलब कि वो जो बालों का जो लेके आता है ना वो जबरदस्त अलग ही, मतलब कि कुछ अलग किया है अबकी बारी जो इसके अंदर किया हुआ है, कॉमेडी बहुत जबरदस्त, हंसते हंसते मतलब कि पेट में दर्द होने वाला है सारी मूवी। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को?
मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए इस मूवी को, जो कि हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी और मूवीज लेके आए, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी टीम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लेके आए, बस यही कहना चाहेंगे। एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका और जितने भी कैमरा मैन है सबका धन्यवाद। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये हैदराबादी फिल्म है, हैदराबाद के कलाकार हैं, बट ये हिंदी फिल्म है और ये सब इतिहास में पहली फिल्म है जो हैदराबाद की, जो अमित कुमार अग्रवाल साहब जो प्रोड्यूसर हैं, नईम अहमद साहब इसके डायरेक्टर हैं और हमारे अकबर बिन तबर इसके कॉमेडियन हैं और जितने भी लोग हैं, ये लोग इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बॉलीवुड में इतिहास रच दिया इसने, क्योंकि पहली बार हैदराबाद के कलाकारों की हिंदी मूवी का ट्रेलर जो लॉन्च हुआ वो भी जॉनी लीवर साहब जैसे हमारे लीजेंड कॉमेडियन के हाथ से, तो यही सबसे बड़ी बात है। और ये फिल्म बड़ी अजब लगी, गजब लगी लोगों को और लोगों को एंटरटेनमेंट लगा और जॉनी भाई देखकर भी इसको बहुत खुशी है। जॉनी भाई को, हमारे सुनील पाल साहब को, हमारे रमेश गोयल साहब को और हमारे जितने भी सेलिब्रिटी नितिन राय वगैरह सब आए, इन सबको बहुत अच्छी ये फिल्म लगी और मैं चाहूँगा कि आप जॉनी भाई से दो लाइन जी। जी ये बहुत खुशी की बात है, जब भी हमारे कुछ कॉमेडियन भाई लोग मिलकर कोई कॉमेडी का होता है काम, कॉमेडी फिल्म बनती है या कॉमेडी का कोई भी बिजनेस होता है, प्ले हो, मूवी हो, वीडियो हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ कॉमेडियन, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और अकबर बिन तबर हैदराबाद के क्या बताऊँ, वहाँ के सुपरस्टार हैं और आरिफ साहब ये लोकल लाइक के गॉडफादर हैं, सबसे बहुत सबका ख्याल रखते हैं। और ये कॉमेडी फिल्म जो भी आपने ट्रेलर देखे, ये फिल्म ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग हंसे इंजॉय करें, जो आज चाहिए इतने टेंशन में कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों तक कॉमेडी पहुंचे, लोग ज़रा गुदगुदाए हंसे तो ज़रा अच्छा लगता है, लोगों की दुआएँ लो भाई, लोग जब खुश होते हैं वो बड़ी बात, वर्ल्ड की दुआ ले रहे हैं सर। रोनी भाई हमने देखा है कि कभी भी मतलब ना आपने कभी भी मतलब देखा नहीं है ऐसे कि बहुत बड़ी फिल्म है या कुछ छोटी फिल्म है, यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एक जितने भी टैलेंटेड कॉमेडियन है या कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो आप हमेशा जो वक्त निकालते हो। हाँ क्या कहना, वक्त निकालना पड़ता है क्योंकि हम तो जमीन से आए ना, हमें कोई खड़ा नहीं करता था, ऐसा समय था हम लोग बहुत ही ज़मीन से आए हैं, बहुत तकलीफ से मतलब बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके आए हैं, तो वो उसको हम अभी तक भूले नहीं, तो खुशी होती है हमारे भाई लोग बुलाते हैं तो छोटा बड़ा क्या होता है, आर्ट आर्ट होता है, टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो इससे मोहब्बत होनी चाहिए, लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों के सामने लोगों ने हमेशा हमें उठाया है और ये लोग प्यार करते हैं, बड़ी बात है, तो इन्हीं की मोहब्बत उनका प्यार खींच लाती है। अच्छा कह सकते हैं हम पैन इंडिया की बात करें, पैन इंडिया फिल्म, तो हैदराबाद की फिल्म है जो यहाँ पर आ रहे हैं मुंबई में, तो लोगों को काम भी मिलता है। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में बहुत अच्छा, हैदराबाद में इतनी कॉमेडी फिल्म बनती है, कमाल कमाल की फिल्म बनती है और हैदराबाद की फिल्में पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है और वो हमसे जुड़ जाए तो कॉमेडी में एक इजाफा होगा, बढ़ावा होगा और मज़ा आएगा और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। अब आप भी हैदराबाद के दिग्गज कलाकार हो, जॉनी भाई यहाँ पर साथ में पूरे पैन इंडिया के वर्ल्ड यू कैन से इंटरनेशनल लेवल तक, आज यहाँ पर आए क्या कहना चाहोगे सबसे पहले, सर उनका धन्यवाद। पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगा और साथ में जानी भाई का शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि जानी भाई आज ये जानी भाई है बल्कि ये चमक दिख रही है आपको आज, क्योंकि जो लाइटें दिख रही है, जो चमक दिख रही है लोगों के चेहरे पे, जो खुशी दिख रही है भाई, अभी कम से कम एक 200 लोगों को सेल्फी, 300 लोगों को दिए होंगे भाई, मगर किसी को भी इनकार नहीं करे ना, किसी को बाजू खटके खड़ो बोले, अगर कोई दूसरे एक्टर्स होते तो बोलते भाई चलो ना यार कितना लेट कर रहे हो यार, क्या यार, तो ये मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब जानी भी आते हैं तो ये आप ही का कमाल है, लोग लिंबू घुमाते ना, उन्होंने संतरा घुमाया मेरे नहीं नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में जानी भी जब भी आते हैं हमारा हैदराबाद जगमगाता है,
हमारा हैदराबाद के लोग मुस्कुरा देते हैं। अभी देखिए जानी भाई को मैं खास एक छोटी चीज बोलना चाह रहा हूँ, टीवी पे जब जानी, ओ माय गॉड, इधर ही देखो, जब भी जानी भाई को टीवी पे कोई देखते हैं तो अगर मियां बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, इधर कोई बैठा है हस्बैंड, इधर बैठी है वाइफ, जैसा जानी भाई टीवी पे अगर आ गए तो दोनों पास आ जाते हैं। तो वो जानी भाई है, ये बहुत बड़ी दुकान है भाई, और ये ऐसी दरगाह है यहाँ पर हर कोई चादर चढ़ाना पड़ता है। ये कॉमेडी की दुनिया है ये, और हम इनके शागिर्द हैं, यानी कि हम इनके बच्चे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी किसी को मैं बड़ा नहीं बोलता, मैं जानी भाई को इसलिए बड़ा बोलता हूँ कि जानी भाई के अलग है भाई लोग, ये बॉम्बे के लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम, सारी दुनिया के लोगों को तो मालूम है। जानी भाई की दुआ ले लो, जब तक लोग जिंदा हैं वो जानी भाई की दुआ ले लो, ले लो, सुखी रहेंगे बस। मैं सारे बॉलीवुड को, अरे मैं लोगों की दुआओं से हूँ भाई, क्या दुआ लो बोल रहे हो, और लोग बोलेंगे हम दे रहे, हमको दुआ दे रहे हो हमारे से लेके। देख के समझ में नहीं आता कौन पार्ट टाइम किधर किया क्या हुआ, यू नो। तो भाई ये लोग जो है, जैसे आरिफ खान जो है, अनिल कपूर का लिखा है, अनिल कपूर की आत्मा को इन्होंने ऐसा वो क्या करते हैं, कब्जा कर लिया है ना, रूह कब्जा पीते ना, ये रूह कब्जा है। अनिल साहब को ऐसा अंदर ले लिया, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मोहब्बत करते हो अनिल कपूर साहब, उनकी आत्मा अंदर ले ली। आपको मालूम है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में, अगर कोई किसी की कॉपी करके उन पर कुछ करता है, प्रेसिडेंट की कॉपी करते, प्रेसिडेंट अपने घर बुलाता है, अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसकी इज्जत करता है, उसको खाना खिलाता है, उठा के ऐसी इज्जत करते हैं जो कॉपी करने वाले बोले यार ये ऐसे कैसे कर सकते, मेरी इतनी कॉपी कैसे, हूबहू कॉपी कैसे कर। और इनके साथ जितने भी लुकर लाइक्स हैं हमारे, कमाल के, कोई शत्रुघ्न सिन्हा है, कोई शाहरुख खान है, कोई अनिल, ये लोग सब क्या है, और उनको लोग देखना चाहते हैं और वो जाते हैं अटेंडेंस, वो परफॉर्म करते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको, ये बहुत बड़ा आर्ट है, मैं कदर करता हूँ और कदर करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे बीच नीतीश कौशिक जी नहीं रहे, आप भी वहाँ पर थे जी, आप फिल्म नहीं कर रहे हो, दुखद का माहौल है, बड़े से नहीं नहीं सतीश कौशिक साहब जो है वो हमारे कॉमेडी की दुनिया के बहुत बड़े कॉमेडियन थे, बल्कि बहुत बड़े डायरेक्टर भी थे और बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत ही स्ट्रांग फनकार थे, बहुत ही बड़े ऊंची सोच वाले थे, न रूप की रानी, चोरों का रानी जो बनाए थे, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, चली नहीं, बात अलग है, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, क्या सेट लगाए थे, कितने मैंने काम भी किया उस पर, क्या सेट लगा, करोड़ों रुपये खर्च किया था, फिल्म चली नहीं, हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता है, तो वो हम मिस कर रहे हैं, हमको बहुत बड़ा लॉस है हमारे, हमने एक बहुत बड़ा कलाकार जो है इंडस्ट्री को, अभी उनकी अपनी बड़ी कंपनी है, उनमें कुछ चार पांच फिल्में वो रिलीज कर रहे हैं, मैं कि मेरा बेटा भी कर रहा था, हाँ वो करेंगे अपना, क्या नाम है, जयंती लाल भाई करेंगे, वो करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका होना जरूरी था। पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ मुंबई में, हमारे अकबर बिन तबर का, बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये तो अभी आपने देखा है कुछ भी नहीं है, इनके अंदर बहुत ही खजाना है, ये दिख रहा है, इससे बड़ा खजाना है, खाते पीते घर के, बड़ी जायदाद है, खाते पीते घर के बोल के पेट निकला, अब क्या लेबरों को निकलेगा, ये गजब के आर्टिस्ट है, इसलिए अजब तमाशा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी फनकार, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैदराबाद, अरे भाई क्या बोले, अरे यू नो हैदराबाद के किंग है भाई, यहाँ आए बोल के, यहाँ इन्हो यहाँ पे लैंड करे ना, अब देखो कैसा टेकअप होता, अब टेकअप कैसा था देखो भाई, बहुत अच्छे कॉमेडियन भाई, हमारे को खुशी होती है ना हमारे हैदराबाद के, अच्छा बोल रहे हैदराबाद, इनको क्या मैं उधर ही का हूँ, अंगुल के, मैं अंगुल का हूँ, आंध्र प्रदेश का हूँ, नहीं वो जो टोन है ना हैदराबाद, हम तो हैदराबाद, मेरी बहन वहाँ रहती है, जाना पड़ता है,
मैं हैदराबाद उतरते ही हाउ हाउ भाई क्या हो रहा शुरू हो जाता मैं। अजब तमाशा ये हमारी मूवी है, आई एम श्योर पब्लिक को बहुत पसंद आएगी बिकॉज इसमें बहुत से तमाशे हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। जब रिलीज होगी प्लीज जाइए देखिए, यू विल एंजॉय। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा हम लोग एक्चुअली मीडिया से हैं, ये इंडिया न्यूज़ से है, मैं आज तक चैनल से हूँ और हम लोग फर्स्ट टाइम इस मूवी में काम कर रहे हैं। मतलब इस फिल्म में जो मीडिया वाले हैं उनको भी लिया गया है और काफ़ी सारे हमारे अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसने नवाब की वाइफ का इसने रोल किया है, मैंने जो है नवाब का जो नवाब को बिगड़ाता है वो एक अलग कैरेक्टर है, ऐसे हमारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो ये फिल्म जो है बिल्कुल ही सबकी मतलब बेस्ट है। बेस्ट पार्ट ऑफ हमारा मूवी है हमारे समर में यार, तो आप इनका कैरेक्टर बहुत एंजॉय करेंगे। ट्रेलर तो आउट हो गया है, ट्रेलर के बारे में अब आप लोग खुद ही राय दे दो क्या है, बाकी पूरी पिक्चर में आप देखने जाओगे तो मतलब कॉमेडी ऐसा भरा है कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा। अकबर भाई है इसमें, तबर भाई जो कि कॉमेडी के इतने बड़े बादशाह हैं, और उनकी कॉमेडी, बाकी जो कैरेक्टर्स है, भाई का कैरेक्टर मतलब बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगा। बाकी मैंने जो कैरेक्टर किया है वो मैं खुद से हट के थोड़ा किया हूँ, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर भी मैंने काफ़ी प्ले किए बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, लेकिन अब जैसा है आप लोग के ऊपर है, ज़रूर देखने जाइए। थैंक यू। मैं दिल से हैं, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो टेंशन के माहौल में ऐसी मूवीज बहुत ज़रूरी है हंसने खेलने के लिए, और कॉमेडी के लिए तो हर कोई इंसान भागता है पिक्चर देखने के लिए, और मेरे दिल से यही दुआ है कि लोगों को ऐसे ये मूवी बनती जाए, कॉमेडी हर किस्म जो भी मूवी है उसमें कॉमेडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे इंसान टेंशन फ्री होता है, और मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई इंसान हंसता रहे, मेरे तहे दिल से यही दुआ है। और कॉन्ग्रेचुलेशन और मेरी शुभकामनाएं इस मूवी के साथ है कि आप लोग जाइए और देखिए और एंजॉय करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत खुशी, मतलब बहुत बहुत खुशी जानकर, मतलब दीपक ने इतना अच्छा मूवी किया, बिल्कुल ऋतिक हा छुपर उत्तम निकले, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किसी को खबर आया कि इतना अच्छा मूवी करने वाले हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर बेस्ट एक्टर, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर इसमें कोई हॉट सा सेक्सी वाला सॉन्ग होता ना तो मैं उनका सॉन्ग जरूर प्ले करती है अपने हर शो पे, नेक्स्ट मूवी में जरूर ऐसा कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आप लोग तो सबको तो पता है जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर ड्रेसिंग के लिए जाती हूँ, और ये है जो रीति की मेरे बेटा की जैसा है, मेरे बच्चा की जैसा है, मेरे भाई भी मानते हैं, मेरे बहन भी है, मेरे भाई भी है, मेरे बाबा भी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत है, ये ना एक दो शब्द में बोल नहीं पाएंगे। फिर बोला है दीदी मेरा एक ट्रेलर आ रहे हैं, प्लीज आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा इवेंट छोड़ के मैं चली आई, क्योंकि ये मुझे जितना रिस्पेक्ट करता है अभी भी कोई नहीं किया, आप लोग नहीं जानते, इसीलिए मैं चली आई इसको ब्लेसिंग देने। मैं न्यूज के माध्यम से आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा, दीदी को बहुत प्यार मिलता है और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है दीदी को बाहर भी बुलाते हैं लोग और ब्लेसिंग के लिए, और ये कभी भी किसी से कुछ पैसे वगैरह इस टाइप से नहीं मांगते, सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं, और इनकी ब्लेसिंग है ना लगती है, और मुझे पता है इस मूवी के लिए इनकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है, और मैं यही कहूँगा कि दीदी ब्लेसिंग दो कि हाउसफुल रहे बस आगे बोलिए। इस फिल्म में देखिए अभी जो मैंने एक्टिंग करी है, एक कॉमेडी का रोल है इसमें, थोड़ा छोटा सा रोल है मेरा भी, और कुछ पिक्चर को मैंने बाबा के ऊपर से प्रोड्यूस भी किया है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और दुआ चाहिए कि पिक्चर थोड़ा आगे से आगे चले, क्योंकि ये पिक्चर पे देखिए जितने भी है, एक तो कोई आर्टिस्ट मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, और एक थोड़े अपने हैदराबाद के आर्टिस्ट है, बट ये पिक्चर जो बनी है पूरी बॉलीवुड मूवी है, ये अपने को देखिए अभी वन एंड ऑफ मंथ में हो जाएगा, अभी सब कुछ हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो रमजान के मुझे फोन करेंगे। ऋतिक शर्मा का सिलेक्शन देखिए, हमारे जिस आरिफ भाई जो है अपने अनिल कपूर जी के लुक अलाइक उनके थ्रू आए थे, तो उनका सिलेक्शन भी हमने चार पांच
कैरेक्टर्स को देख करके फिकर के इनफैक्ट जो इनके कैरेक्टर को सूट करता है हम उनके लिए भी फाइनल किए थे इसके लिए, और बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा जाएगा भी। जॉनी भाई का तो हम शुक्रिया अदा कर भी नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि देखिए हम वो हस्ती है नहीं जो उनका शुक्रिया अदा हम कर सके। उनका एहसान और वो जो अपना टाइम निकाल के कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और कॉल्स पे जो हमसे बात करते हैं इतना अच्छा से बात करते हैं टाइम देते हैं अपना, तो उनके जैसा इंसान तो देखिए जहाँ तक अभी तो मैंने पर्सनली देखा नहीं हूँ, बट बहुत अच्छे बहुत प्यारे इंसान हैं, कॉमेडी और हंसाते हैं और बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू।